त्योहारों का सीजन आरंभ होने से पहले ही ज्वेलर्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनूठी पहल कर रहे हैं। इस बार हिमाचल के अग्रणी वर्मा ज्वेलर्स ने अपनी महिला ग्राहकों को ही मॉडल बनाकर उन्हें एक अलग पहचान देने का प्रयास कर रहा है। ये गृहिणियां वर्मा ज्वेलर्स के विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाले विज्ञापनों पर नजर आएंगी, जो कि खास वर्मा ज्वेलर्स की नई कलेक्शन द सेलिब्रेशन कलेक्शन विद गोल्डन बॉन्ड का प्रचार करती नजर आएंगी। ये वे महिलाएं हैं जो वर्मा ज्वेलर्स की कई वर्षों से ग्राहक थी, जिनमें अधिक आत्मविश्वास भरने के लिए उन्हें वर्मा ज्वेलर्स की ओर से एक नायब तोहफा दिया गया है। इस मौके पर वर्मा ज्वेलर्स के एमडी अक्षय वर्मा ने बताया कि स्वर्ण की कीमतों को देखते हुए उनके द्वारा इस बार विशेषतः कम बार वाले आकर्षक आभूषण लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसकी प्रदर्शनी 28 सितंबर तक लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो ग्राहक महिलाएं उन्होंने बतौर मॉडल ली हैं, वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिनमें से डॉक्टर, टीचर, गृहिणियां, कृषक, राजनीति से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं, और वे आज उन्हें अपने प्रचार अभियान में शामिल कर फख्र महसूस कर रहे हैं। सोलन के धर्मपुर में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब धर्मपुर के समीप एक होटल से युवती ने भागने का प्रयास किया और सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गई। जब आसपास के लोगों ने उसकी इस हालत के बारे में उससे पूछा तो उसने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि उसके साथ चार युवकों ने जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि एक नाबालिग युवती ने चार लड़कों पर उसे अगवा कर दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। सोलन पुलिस ने चिट्टे की तस्करी में एक और विदेशी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये इस माह में पुलिस द्वारा पकड़ा गया तीसरा विदेशी तस्कर है। इस नशे के सौदागर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बीते दिनों कंडा घाट में पुलिस द्वारा नाके के दौरान एक युवक बासुधीर से 52 ग्राम चिट्टे की खेप सहित गिरफ्तार किया था, जिससे गहन पूछताछ की गई और उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने दिल्ली में दबिश दी और विदेशी मूल के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन शिव कुमार ने कहा कि सोलन पुलिस ने कुछ दिन पहले कंडा घाट में पकड़े गए एक युवक से पूछताछ की और उससे ये पता लगाया कि वह चिट्टे की खेप आखिर किससे लेकर आया था, और जो पकड़े गए युवक ने जानकारी दी थी उसके आधार पर उन्होंने दिल्ली से एक विदेशी मूल के व्यक्ति आईफिनी फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया है। काउंसलिंग फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शिमला के सौजन्य से हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में रसायन विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों के लिए रासायनिक तत्वों के फायदे और नुकसान को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार के पहले दिन रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान पढ़ाने के साथ स्थानीय स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रदर्शन के माध्यम से भी जानकारी दी गई। सेमिनार में लखनऊ से आए CISR रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद अखिला ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले सेमिनार में बच्चों को रासायनिक तत्वों की जानकारी मुहैया करवाना है, तो साथ में खान पान कैसे करें और किन चीजों से शरीर को नुकसान होता है, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। इसके साथ ही अरोमा थेरेपी का प्रयोग कैसे हो ताकि बीमारियों से बचा जा सके, वहीं रोजमर्रा में खाने वाली फल सब्जियों को किस तरह से जानकर इस्तेमाल करें और इन सब्जियों को पानी में कैसे उगाएं, इस पर जानकारी दी जाएगी। सीनियर साइंटिस्ट परिणीता ठाकुर ने बताया कि रसायन के बारे में जानकारी दिलाने के लिए शिक्षकों और बच्चों को
कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सेमिनार में रसायन विज्ञान के बारे में आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 दिनों की कार्यशाला में नए आविष्कारों से अध्यापकों और बच्चों को अवगत करवाया जाएगा। वहीं इस अवसर पर जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्वनी चंबियाल ने बताया कि सेमिनार में बहुत कुछ अध्यापकों को सीखने को मिलेगा और रसायन का जीवन के लिए क्या महत्व है और रसायन के बारे में नई जानकारियों का भी ज्ञान मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षकों के द्वारा 3 दिनों तक रसायन विज्ञान की जानकारी दी जाएगी।